ગીર સોમનાથના વેરાવળ જંકશનની પશ્ચિમ રેલવેના જીએમ એ કે ગુપ્તાએ મુલાકાત લઈ જરૂરી સુવિધા અને વેરાવળ વિસાવદર તેમજ વેરાવળ દેલવાડા મીટરગેજ લાઇનને બ્રોડગેજ કરવાની કામગીરી માટે સર્વે કરવાની સૂચના રેલવે વિભાગને આપી હતી. પશ્ચિમ રેલવેના જીએમ એ કે ગુપ્તાએ વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન માટે વેરાવળ જંકશન ખાતે આવ્યા હતા, જ્યાં તેઓએ હાલમાં વિસાવદર અને દેલવાડાની મીટરગેજને બ્રોડગેજમાં રૂપાંતર કરવાની કામગીરી માટે સર્વે કરવાની સૂચના આપી હતી. જ્યારે વધુમાં તેઓએ સોમનાથથી હરિદ્વાર ટ્રેન શરૂ કરવા માટે પણ વિચારાશે તેમ જણાવ્યું હતું. और ये इलाके में आने की जरूरत, इंस्पेक्शन और आपने जो सुपरविजन किया देखा, कुछ सूचना दी होगी, पूरा वाक्य बताइए सर. देखिए, ये तो मेरा इलाका है, पूरा पश्चिम रेलवे और हर सेक्शन का इंस्पेक्शन भी करना है. गेज कन्वर्जन भी हो रहा है, बहुत सारे काम चल रहे हैं. मेरे साथ में आज मुख्यालय से प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर और प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर सब साथ में आए थे. हम लोगों ने जो गैस कन्वर्जन के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू किया और साथ में जो वेरावल में जो मेंटेनेंस से संबंधित समस्या है उसको डिस्कस किया. जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हम निदान हफ्ते में कर सकते हैं, कुछ का निदान महीने में कर सकते हैं, उसकी हम लोगों ने चर्चा की है. जितने हमारे सुपरवाइजर्स हैं, मैकेनिकल के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, ऑपरेटिंग के हैं, उनके साथ भी चर्चा की कि अभी उनको क्या दिक्कत हो रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है और अगले भविष्य में जब गेज कन्वर्जन हो जाएगा तो हमें यहाँ पर क्या क्या मेंटेनेंस फैसिलिटी चाहिए, उस सब के लिए विस्तृत नक्शे बनेंगे. उसके लिए राज्य निर्देश दे दिए गए हैं. संभवतः एक महीने के अंदर पूरा जो वेरावल से का नक्शा तैयार हो जाएगा स्टेशन का, जिससे कि हम अगली कार्रवाई कर सकते हैं. सर, बात की जाए तो यात्राधाम प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव जहां विराजे है, पूरे इलाके के लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो ये वेरावल जंक्शन है, यहाँ सुविधाओं के बारे में या यहाँ के लोगों की और यात्रियों की मांग है कि यहाँ से हरिद्वार तक एक ट्रेन शुरू की जाए, कई दिनों के कई सालों की मांग है, क्या बताएंगे इसके बारे में सर? देखिए, ऐसा है, गाड़ी चलाने के लिए हमें मेंटेनेंस की फैसिलिटी चाहिए. हम लोगों ने बहुत गाड़ी बढ़ाई है, चलाई है और मेंटेनेंस की फैसिलिटी क्या होनी चाहिए अभी और क्या भविष्य में होनी चाहिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग उसका विस्तृत नक्शा बना रहे हैं.